अस्सलाम वालेकुम। टुडे आवर टॉपिक इज़ रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट इन नेमाटोड्स। नेमाटोड्स आर कॉमनली कॉल्ड एज राउंड वर्म्स। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट स्टडी करना है राउंड वर्म्स के अंदर। तो जो राउंड वर्म्स होते हैं इनके अंदर सबसे पहले कुछ जनरल करेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करते हैं। मैंने बताया था कि जो राउंड वर्म्स होते हैं ये डायोशियस होते हैं। डायोशियस का मतलब ये होता है कि इनमें फ़ीमेल सेपरेट होती है और मेल सेपरेट होता है, और फिर फीमेल और मेल जो होते हैं दोनों एक दूसरे के साथ मेटिंग करते हैं या कॉपुलेशन करते हैं और इस तरह से ये रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा मैंने कुछ डिफरेंसेस बताए थे कि जो मेल और फीमेल होती है इनकी जो बॉडी होती है वो डाइमॉर्फिक होती है, यानी कि इनकी जो बॉडी फॉर्म्स होती हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। जो मेल होते हैं ये स्मॉलर होते हैं फीमेल नेमाटोड से, और इसके अलावा जो मेल होते हैं इनकी जो टेल होती है वो एंड से थोड़ी सी कर्व्ड हुई होती है, जैसे कि इस डायग्राम के अंदर मैंने बनाई है। तो यहाँ पर मैंने चार डायग्राम्स बनाई हैं, ये फीमेल की है, ये मेल की है, और ये भी ये फीमेल की है, ये मेल की है। ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स डायग्राम है, जो मैंने लास्ट लेक्चर दिया था इंट्रोडक्टरी लेक्चर उसके अंदर मैंने बताई थी, क्योंकि इसके अंदर मैंने जो फीमेल नेमाटोड है उसके सारे सिस्टम्स बनाए हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम बनाया है, नर्वस सिस्टम बनाया है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाया है, एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाया है, तो वो सब मैंने इसके अंदर मेंशन किए हैं। इस तरह ये जो है ये मेल की कॉम्प्लेक्स डायग्राम है। अब ये जो है इसके अंदर मैंने सिर्फ और सिर्फ एक इंटेस्टाइन, और इसके अंदर मैंने सिर्फ और सिर्फ हाईलाइट किया हुआ है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स को। तो ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनाया है और ये मेल का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनाया है, और ऊपर वाली डायग्राम्स में जो है इनके सारी बॉडी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं। तो अब हम स्टडी करेंगे आज का लेक्चर। तो अब हम स्टार्ट करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को स्टडी करते हैं। सबसे पहले है कि फीमेल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ कॉन्वोलेटेड ओवरीज। कॉन्वोलेटेड जो वर्ड है इसके मीनिंग होते हैं पेचीदा। पेचीदा मतलब कि कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसके अंदर पेयर ऑफ कॉन्वोलेटेड ओवरीज होता है। एक पेयर होता है, एक पेयर होगा तो दो ओवरीज उसके अंदर प्रेजेंट होंगी, और दोनों ओवरीज जो होती हैं वो कॉम्प्लेक्स होती हैं, कॉन्वोलेटेड होती हैं। ठीक है, ईच ओवरी इज़ कंटिन्यूस विद एन ओविडक्ट, और ईच ओवरी जो होती है फिर वो कंटिन्यू करती है एक ट्यूब के साथ, जिस ट्यूब को कहते हैं ओविडक्ट। तो सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं ये वाला जो फीमेल रिप्रोडक्टिव मैंने सिस्टम बनाया है सिंपल सा। इसके अंदर हम देखते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि एक ओवरी इधर प्रेजेंट है, एक ओवरी जो है वो इस साइड पर प्रेजेंट है। तो ये जो दो ट्यूब्स प्रेजेंट हैं इन दोनों को ओविडक्ट कहते हैं। इसी ट्यूब के अंदर हम यहाँ पर देख सकते हैं एक ओवरी इधर प्रेजेंट है और एक ओवरी जो है इधर प्रेजेंट है। इसको मैंने थोड़ा बॉडी से बाहर निकाल कर दिखाया है। बॉडी के अंदर ये कॉन्वोलेटेड फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। नेक्स्ट है द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ ओवरी स्वॉलन टू फॉर्म सेमिनल रिसेप्टकल। ये जो इनका प्रॉक्सिमल एंड होता है ये वाली साइड, इस प्रॉक्सिमल एंड के पर जो ओविडक्ट है वो स्वॉलन हुई होती है, और स्वॉलन होकर एक स्ट्रक्चर बनाती है जिसको कहते हैं सेमिनल रिसेप्टकल। ये देख सकते हैं हम कि ये जो ओविडक्ट है यहाँ से स्वॉलन हुई है, और स्वॉलन होकर उसने बना दिया है सेमिनल रिसेप्टकल। सेमिनल रिसेप्टकल एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर स्पर्म्स स्टोर होते हैं। वो स्पर्म जो मेल फीमेल की बॉडी के अंदर डिपॉजिट करवाता है वो स्पर्म आकर सेमिनल रिसेप्टकल के अंदर स्टोर कर जाता है। नेक्स्ट है द टू ईच ओविडक्ट बिकम्स अ ट्यूबुलर यूटरस। फिर यही ओविडक्ट जो होती है एक यूटरस में कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ट्यूबुलर यूटरस बन जाती है, ट्यूब की फॉर्म में यूटरस बन जाती है इधर भी और इधर भी। तो इस ओविडक्ट ने ही यूटरस को भी बनाया, इसी ओविडक्ट ने सेमिनल रिसेप्टकल को बनाया। तो ये होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। नेक्स्ट है द टू यूटराई यूनाइट टू फॉर्म वजाइना। फिर ये दो यूटराई जो होती हैं, एक यूटरस इधर वाली, दूसरी यूटरस इधर वाली, ठीक है, सिंगल होगी तो फिर हम उसको यूटरस कहेंगे। अगर ये दोनों मैंने कहना है, इन दोनों को मैं कलेक्टिवली यूटराई बोलूँगी, तो फिर क्या होता है टू यूटराई यूनाइट टू फॉर्म हो जाना। यहाँ पर दोनों यूटराई जो होती हैं एक इधर वाली और एक इधर वाली यहाँ पर आकर यूनाइट करती हैं, और इस पॉइंट पर यूनाइट, जिस पॉइंट पर वो यूनाइट करती हैं यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर वजाइना प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है वजाइना ओपन्स टू द आउटसाइड थ्रू द जेनिटल पोर। फिर ये जो वजाइना है ये एक ओपनिंग के थ्रू जो है ओपन होता है, जिसको कहते हैं जेनिटल पोर, या फिर इस ओपनिंग को गोनोपोर भी कहते हैं।
तो ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सिंपल सा मैंने बताया कि इसके अंदर पेयर ऑफ कॉन्वोलेटेड ओवरीज होती हैं, एक इधर होती है एक इधर होती है, तो ये पेयर हो गया। इसके अलावा जो ओवरीज होती हैं ये कंटिन्यूस होती हैं विद एन ओविडक्ट, एक ट्यूब के साथ। इसी ओविडक्ट से यूट्रस बनता है, इसी से स्वॉलन होकर सेमिनल रिसेप्टिकल बन जाता है। फिर यहाँ जहाँ पर ये दोनों यूटराइज यूनाइट करती हैं इस जगह को वजाइना कहते हैं। वजाइना जो है वो ओपन होता है थ्रू द जेनिटल पोर। दिस इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और इसको अगर हम इस डायग्राम में देखें, जो कॉम्प्लेक्स डायग्राम है, तो इसके अंदर ये जो ब्लू वाला पोर्शन है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पोर्शन है। एक ओवरी इस साइड पर प्रेजेंट है और एक ओवरी इस साइड पर प्रेजेंट है, ये यूटरस है। और यहाँ पर दोनों यूटराए जो हैं एक दूसरे के साथ यूनाइट होकर वजाइना बना रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं इनको स्टडी करते हैं। द मेल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टेस्टिस। मेल सिस्टम के अंदर एक सिंगल टेस्टिस होता है, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो है मेल के अंदर सिंगल टेस्टिस होते हैं, ठीक है। और इट इज़ कंटिन्यूस विद द वॉस डेफरेंस। अब ये जो टेस्टिस जो हैं ये भी एक ट्यूब के साथ कंटिन्यूस हैं, जिसको वॉस डेफरेंस कहते हैं। जैसे यहाँ पर ओवरी जो थी वो ओविडक्ट के साथ कंटिन्यूस थी, यहाँ पर जो टेस्टिस हैं ये जिस ट्यूब के साथ कंटिन्यूस हैं इस ट्यूब को कहते हैं वॉस डेफरेंस। और ये ट्यूब जो है ये नेक्स्ट में लिखा है कि वॉस डेफरेंस ओपन्स इनटू सेमिनल वेसिकल। फिर ये ट्यूब जाकर सेमिनल वेसिकल के अंदर ओपन होती है। सेमिनल वेसिकल जो होता है ये स्पर्म स्टोरेज स्ट्रक्चर होता है मेल्स के अंदर, जहाँ पर स्पर्म जो है टेस्टिस से मूव कर इस जगह पर आकर स्टोर कर जाएंगे। और उसके बाद फिर इन स्पर्म्स को क्लोकल ओपनिंग के थ्रू फीमेल के जेनिटल पोर के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो इस तरह होता है ट्रांसफ़र ऑफ स्पर्म। नेक्स्ट है द सेमिनल वेसिकल कनेक्ट टू द क्लोका। अब जो सेमिनल वेसिकल होता है ये क्लोका से कनेक्ट होता है। क्लोका जो होता है ये इसके अंदर कुछ कॉपुलेटरी स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट होते हैं। कॉपुलेटरी स्ट्रक्चर्स वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि कॉपुलेशन के अंदर हेल्प करते हैं, मेल और फीमेल की कॉपुलेशन के अंदर हेल्प करते हैं। तो इसके अंदर बुरसा प्रेजेंट होता है, जो मैंने यहाँ पर लिखा है ये बुरसा होता है। स्पाइकिल होते हैं और बुरसा जो होता है वो फीमेल को अपने साथ अटैच करवाता है। स्पाइकिल जो होता है ये स्पर्म के ट्रांसफ़र करने के लिए हेल्प करता है। तो ये होते हैं कॉपुलेटरी स्ट्रक्चर्स। और यहाँ पर क्लोकल ओपनिंग होती है, और क्लोका जो होता है इसको जो इंटेस्टिनल ओपनिंग और रिप्रोडक्टिव ओपनिंग बोथ जो होती हैं इसके लिए क्लोका यूज़ होता है, ठीक है। और इसके अंदर कॉपुलेटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये हमने याद रखना है। तो जो क्लोकल ओपनिंग के थ्रू जो स्पर्म जो है वो फिर फीमेल के जेनिटल पोर के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ स्पाइक्यूल्स और बुरसा। नेक्स्ट हम देखेंगे मेल कंटेन बुरसा स्पाइक्यूल्स दैट हेल्प इन कॉपुलेशन, जो कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ। अब हम स्टडी करेंगे फर्टिलाइजेशन एंड डिवेलपमेंट, ठीक है। देखेंगे कि फर्टिलाइजेशन कैसे होती है और डिवेलपमेंट कैसे होती है। तो फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग कॉपुलेशन, यानी कि मेटिंग। कॉपुलेशन का मतलब होता है मेल और फीमेल का मेटिंग करना। अभी जैसे मैंने बताया कि जो कॉपुलेटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं जो क्लोका के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिसके अंदर बुरसा है स्पाइक्यूल्स है, इनके थ्रू स्पर्म्स जो है वो फीमेल की वजाइना के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। फिर वो स्पर्म सेमिनल रिसेप्टिकल के अंदर आ जाता है, फिर ओवरीज में जाकर एग को फर्टिलाइज कर देता है। तो इस तरह हो जाती है कॉपुलेशन। तो फर्टिलाइजेशन होती है ड्यूरिंग द कॉपुलेशन। नेक्स्ट है द हाइड्रोस्टेटिक फोर्सेज इन द सूडोसिलोम मूव्स ईच फर्टिलाइज्ड एग टू द गोनोपोर। अब नेमाटोड्स जो होते हैं इनकी बॉडी के अंदर हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन होता है, क्योंकि ये इनवर्टिब्रेट्स होते हैं और इनके अंदर फ्लड फील्ड इन्वायरमेंट होता है इनकी बॉडी के अंदर। और फ्लड फील्ड हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन होता है, ठीक है, क्योंकि सॉफ्ट सॉफ्ट से होते हैं। तो वो जो इनका हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन होता है वो जो फर्टिलाइज्ड एग्स होते हैं उनको पुश कर देता है टुवर्ड्स द गोनोपोर, और इस गोनोपोर के थ्रू फिर एग्स जो होते हैं वो बॉडी से बाहर निकल आते हैं। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ एग्स प्रोड्यूस्ड वेरीज विद द स्पीशीज। डिफरेंट स्पीशीज़ के अंदर जो नंबर ऑफ़ एग्स होते हैं वो वेरी करते हैं, यानी कि डिफर होते हैं एक दूसरे से। कुछ स्पीशीज़ जो होती हैं वो डेली के हंड्रेड्स ऑफ एग्स जो होती हैं वो ले करती हैं, और कुछ स्पीशीज़ ऐसी भी होती हैं जो डेली के हंड्रेड टू थाउजेंड्स ऑफ सेवरल एग्स जो होती हैं वो ले करती हैं। तो इस तरह इनके नंबर ऑफ़ एग्स जो हैं वो वेरी करते हैं। सम नेमाटोड्स गिव बर्थ टू लार्वी। कुछ नेमाटोड्स जो होते हैं वो लार्वी को बर्थ कर देते हैं, यानी कि वो ओवो वीवी पैरस होते हैं। ओवो वीवी पैरस
का मतलब ये होता है कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर एग भी बनता है और उसके बाद वो लार्वी को बर्थ भी करते हैं। मतलब कि अब पहले मैं बता दूं कि 3 types के एनिमल्स होते हैं, ओवीपैरस, वीवीपैरस और ओवोवीवीपैरस। ओवीपैरस ऐसे एनिमल्स जो कि एग ले करते हैं, उनके अंदर अगर हम एग्जांपल लें तो हम बर्ड्स की एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि हैन, ठीक है, एग ले करते हैं और एग ले करने के बाद उस एग के अंदर डिवेलपमेंट स्टार्ट होती है। वीवीपैरस एनिमल्स आर दोज एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू दियर बेबीज़। ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि अपने बेबीज़ को बर्थ देते हैं। इनके अंदर ना तो ये एग ले करते हैं और ना ही इनके अंदर एग हैच करता है। ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर जो एम्ब्रॉय होता है वो अपने मदर की वॉम के अंदर ही उस एम्ब्रॉय की डिवेलपमेंट होती है और उसके बाद फाइनली उसकी बर्थ हो जाती है जब उसकी डिवेलपमेंट कम्प्लीट हो जाती है। तो ये होते हैं वीवीपैरस एनिमल्स और इसके अंदर हम एग्जाम्पल्स ले सकते हैं डिफरेंट मैमल्स की, जिसके अंदर कैट्स होते हैं, डॉग्स होते हैं, मंकीज होते हैं, इसमें हम ह्यूमंस की भी एग्जांपल ले सकते हैं। ओवोवीवीपैरस एनिमल्स जो हैं ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर एग भी बनता है और ये लार्वी को बर्थ भी देते हैं। इनके अंदर जो है ये एग ले तो नहीं करते हैं लेकिन इनके अंदर एग की डिवेलपमेंट होती है और एग की डिवेलपमेंट होती है फीमेल्स की बॉडी के अंदर। फीमेल की बॉडी के अंदर एग फुली डिवेलप कर जाता है और उसके बाद एग हैच करता है और एग के अंदर से फिर जो लार्वा निकलता है उसकी बर्थ हो जाती है। तो इस तरह ओवोवीवीपैरस जो एनिमल्स होते हैं ये एग की डेवलपमेंट भी करते हैं और लार्वी को बर्थ भी देते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ नेमाटोड्स के अंदर जो है वो ओवोवीवीपैरस होते हैं, बाकी मोस्टली जो होते हैं वो ओवीपैरस होते हैं जो एग ले करते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर एंड मॉइस्चर इन्फ्लुएंस द डिवेलपमेंट एंड हैचिंग ऑफ एग्स। नेक्स्ट है हैचिंग प्रोड्यूसेस लार्वा। एग की हैचिंग होती है तो उससे लार्वा निकलता है। द लार्वा हैज़ मोस्ट एडल्ट स्ट्रक्चर्स। लार्वा के अंदर कुछ ज़्यादातर एडल्ट स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। द लार्वा अंडरगोज 4 molds। लार्वा जो है वो 4 molds से गुजरता है। मैंने बताया कि जो नेमाटोड्स होते हैं इनके बॉडी के ऊपर क्यूटिकल की कवरिंग होती है, एक हार्ड कवरिंग होती है, और वो जो क्यूटिकल होता है वो मोल्टिंग करता है और वो अपने लाइफ साइकिल के अंदर 4 times जो है मोल्टिंग करता है, ठीक है, अपनी लाइफ के अंदर 4 times मोल्टिंग करता है। 4 दफ़ा उनका जो क्यूटिकल होता है वो शेड करता है, ओल्ड क्यूटिकल शेड हो जाता है और उसकी जगह पर न्यू क्यूटिकल बन जाता है। नेक्स्ट इन सम स्पीशीज़ फर्स्ट 1 or 2 molds में अकर बिफोर द एग हैच। कुछ स्पीशीज़ के अंदर पहले दो मोल्ड्स जो होते हैं वो एग के अंदर ही हो जाते हैं, एग के हैच करने से पहले ही हो जाते हैं और बाकी के 2 एग के हैच करने के बाद होते हैं। तो इस तरह होती है इनकी डिवेलपमेंट। तो यह था आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट को स्टडी किया है राउंड वॉर्म्स के अंदर, और ये इसकी डायग्राम्स हैं।